सो आज हम लोग बात करने वाले हैं द एग्जैक्ट यूज ऑफ गूगल एड। बहुत सारे लोगों को पता है गूगल एड क्या होती है, बट एग्जैक्ट यूज ऑफ गूगल एड क्या है। सो यहाँ क्या कर रहे हो, लेट्स गो। हे व्हाट्स अप। सो फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को, बिकॉज आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि क्या आप गूगल एड यूज करते हो या नहीं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, इट्स टोटली फ्री। सो प्लीज कमेंट बिलो एंड टेल मी यूज ऑर नॉट। सो दोस्त देखो, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, अगर आप पूरा न्यूबी हो, मतलब एकदम न्यूबी हो, जस्ट यू नो कि गूगल एड जैसी कोई चीज होती है और जस्ट आपको पता चला कि फेसबुक एड जैसी कोई चीज होती है, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल एड जो है इस समय इस कंडीशन में, जो कंडीशन मैंने आपको बताई, आपका एक बहुत अच्छा खासा क्लोज फ्रेंड हो सकता है। यस, सो आपका गूगल एड जो है वो एक बहुत अच्छा खासा क्लोज फ्रेंड साबित हो सकता है अगर आप एक न्यूबी हो, राइट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अब मैं आपको बहुत अच्छा एनालिटिक्स में घुसा के या बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बट एकदम एकदम जो चीज आप करते हो उस चीज से रिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैंने सही कहा या नहीं, राइट। तो सिचुएशन ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, लाइक अगर आपको खरीदना है कोई फोन और आप खरीदना चाहते हो उसको ऑनलाइन, तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट जाते हो गूगल में, राइट। जब आपको खरीदना है तो आप गूगल में जाते हो, राइट। आपको खरीदना है तो आप सोशल मीडिया पे नहीं जाते, आपको खरीदना है तो कहीं आप इंस्टाग्राम पे जाके नहीं देखते अरे यहाँ से खरीदूँ या यहाँ से खरीदूँ, राइट। आप कहाँ जाते हो, गूगल पे, एंड जस्ट यू टाइप लाइक आई वांट दिस आईफोन, राइट। तो आप आईफोन जैसे टाइप करो, आईफोन मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, तो आप जैसे आईफोन को ऐसे टाइप कर दो तो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट दिखती है, और कहाँ आपने टाइप किया, आपने गूगल पे टाइप किया। अगर ये भी उदाहरण आपको समझ नहीं आया तो एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बाय करना है, लाइक आपको कोई चेयर बाय करना है, कोई स्पेशल चेयर जहां पर आप आराम करना चाहते हो, राइट। सो आप कहां पर टाइप करोगे जाके, आप टाइप करोगे स्पेशल चेयर फॉर रेस्ट ऑन गूगल, राइट, एंटर। सो आप जैसे एंटर करोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट नजर आएगी। तो आपको एक चीज समझ में आई यहाँ पर, जब आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो आप सीधा गूगल के पास जाते हो और बोलते हो भाई मुझे ये चीज दिखा कि ये चीज अमेजोन में है या फ्लिपकार्ट में है या किसी और साइट में है, राइट। तो आपको वो साइट वहां पर मिलती है, देन यू क्लिक एंड देन सी एंड देन बाय, राइट। तो ऐसा कैसे, दैट इज कॉल्ड फिजिकोलॉजी, कि लोग जब भी कुछ उनको बाय करना रहेगा तो वो सीधा गूगल के पास जाएंगे। बट एक और केस होता है जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया केस। अब सोशल मीडिया में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइज आते रहते हैं, आप वहाँ पर सर्फिंग करते हो, देन आपको कोई एड दिखता है और लगता है कि आपको, हाँ भाई लगता क्या, हमको पता है कि आपको ये चीज चाहिए, तो वो चीज आपको दिखाई जाती है, देन आप वहाँ पर क्लिक करते हो, देन अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो बाय करते हो, राइट। बट मोस्ट ऑफ टाइम आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे ही सर्च करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। तो अब यहाँ पर एक ह्यूमन बिहेवियर आता है कि जब भी किसी को बाय करना है तो वो गूगल के पास जाता है, राइट। तो ये एग्जैक्ट यूज है, राइट। मतलब कि अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बाय करना है या कोई हेल्थ प्रोडक्ट बाय करना है तो मैं गूगल के पास जाऊंगा, सर्च करूंगा और वहां पर जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करूंगा एंड जाऊंगा, देखूंगा और मैं बाय करूंगा। और वहां पर मेरा जो बिहेवियर रहता है वो एक बाइंग बिहेवियर रहता है, और मैं एक हॉट ऑडियंस एज अ हॉट ऑडियंस वहां पर मैं परफॉर्म करता हूँ। अगर हॉट और कोल्ड क्या होता है, कोल्ड इज लाइक मन किया तो ले लिए, नहीं तो नहीं लिए, राइट। और हॉट यानी मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, राइट। तो मैं वहां पर जो गूगल रहता है वहां पर मैं एज अ हॉट ऑडियंस जाता हूँ एंड टाइप करता हूँ, ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया कि एग्जैक्ट यूज क्या है गूगल एड्स का, राइट। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम, चाहे क्लिक बैंक हो, जेबी हो या कुछ भी हो, अगर आप न्यू भी हो तो जाओ गूगल एड्स को समझो और वहां पर अपनी वेबसाइट बनाओ, मतलब वेबसाइट या फनल, व्हाटएवर, जैसे भी आप सेल कर रहे हो उस चीज का लिंक को वहां पर रैंक कराओ और फिर देखो और क्या रिजल्ट आपको मिलता है, वो चीज आप कंपेयर करना अपने फेसबुक एड से जब आप न्यू भी हो, राइट। याद रखना, न्यू भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपर्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बहुत दिनों से ये सारी चीजें कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि कैसे फेसबुक एड्स के साथ खेलते हैं, कैसे बायर बिहेवियर लेके आते हैं किसी भी ह्यूमन बींग का, दे नो, बट यू डोंट नो, राइट। सो आपके लिए जो गूगल है वो है हे माई फ्रेंड गूगल, हे माई फ्रेंड गणेश, यू नो, लेट्स गो।
तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, आपको समझ में आया या नहीं कि एग्जैक्ट यूज क्या है गूगल का, और आप इससे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 50 लाख भी छाप सकते हो। बस आपको थोड़ा सा गूगल एड चलाने आना चाहिए कि कैसे इसके रेट को, कैसे इसके बिडिंग को कम कर सकते हैं, कैसे इसकी बिडिंग के साथ खेल सकते हैं। और सिर्फ बिलीव मी आप 1,000 रुपये लगा के 10,000 रुपये आराम से जनरेट कर सकते हो फ्रॉम गूगल, अगर आपको गूगल एड आता है। राइट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप गूगल एड यूज करते हो या नहीं, एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज इट्स टोटली फ्री एंड इंस्पायर मी। एंड प्लीज अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिले। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।